गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग 5 रुपए के 3 सिक्कों के बारे में बात करेंगे। 1994, 1995, 1996 तीन ईयर में जारी किए गए 5 रुपए के 3 सिक्के आपको एक अच्छी खासी वैल्यू दे सकते हैं। अगर आपके पास 5 रुपए के सिक्के होते हैं तो आप इन सिक्कों को सेल भी कर सकते हैं। क्या वैल्यू देंगे, कैसे आप इनको सेल करेंगे, कौन सी मिंट का सिक्का रेयर है, ये सब चीजें जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छे से समझना है। अगर आपके पास में संत त्रिवल्लभर का 5 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है, या फिर स्वस्थ मां स्वस्थ शिशु की थीम्स का 5 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है, या फिर आपके पास में आईएलओ कॉइन पड़ी हुई है, आप उनको सेल करने के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। कभी न कभी आपने सोचा भी होगा कि ये 5 रुपए का सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है। बहुत सारे लोग मुझे इन सिक्कों की फोटो भेजते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि ये रेयर है या नहीं है। तो इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझना कौन सी मिंट का सिक्का रेयर है और कौन सी मिंट का सिक्का कॉमन है, जो रेयर सिक्के हैं उनकी वैल्यू क्या है और कॉमन सिक्कों की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो संत त्रिवल्लभर का 5 रुपए का सिक्का है, इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ लोग उस वीडियो को अच्छे से नहीं समझे और डायरेक्ट फोटो भेजना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कौन सा सिक्का आपको कितनी वैल्यू देगा, अच्छे से एक बार देख लेना इस वीडियो को। तो गाइस, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, ये कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से समझे, और उसके बाद में ही मुझे फोटो सेंड करें। उससे पहले आप मुझे फोटो सेंड नहीं करें, क्योंकि जब आपको समझ में नहीं आता तो आपको ये नहीं पता होता है कि इनमें रेयर सिक्का कौन सा है और कॉमन सिक्का कौन सा है, तो रेयर सिक्के की फोटो ही भेजे। तो चलो जानते हैं कौन सा सिक्का आपको कितनी वैल्यू देता है। तो गाइस, कभी ना कभी आपके हाथ में भी आईएलओ थीम्स का ये 5 रुपए का सिक्का जरूर आया होगा, जिसको 1994 में इश्यू किया गया था कॉपर निकल धातु से। ये 5 रुपए का सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है, कौन सी मिंट का सिक्का रेयर है, ये सारे सवाल उस टाइम पे आपके दिमाग में जरूर आए होंगे, और आपने भी बहुत बार इस सिक्के को सेल करने के बारे में सोचा होगा। सो गाइस, अगर आप भी आईएलओ थीम्स के 5 रुपए के इस सिक्के को सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस सिक्के की सही जानकारी होनी जरूरी है। 9 ग्राम वजन के साथ में 5 रुपए के इस सिक्के को जारी किया जाता है कॉपर निकल धातु से, और इस सिक्के की साइज 23 mm होती है, और ये भारत के 3 मिंटों से इश्यू किया जाता है, हैदराबाद, नोएडा और मुंबई की मिंट से। यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वो है इसका मिंट मार्क, जहाँ पे हैदराबाद का स्टार का मिंट मार्क होता है, नोएडा का डॉट का मिंट मार्क होता है और मुंबई का डायमंड का मिंट मार्क होता है। इन सिक्कों के अंदर जो रेयर सिक्का होता है वो होता है नोएडा मिंट का, जिसमें आपको 1994 के नीचे डॉट का मिंट मार्क देखने को मिलेगा, एकदम राउंड डॉट मिलने को देखने को मिलता है, तो वो सिक्का रेयर होता है। अगर वैल्यू की बात की जाए तो ये सिक्का आपको वैल्यू दे सकता है 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक UNC कंडीशन में। एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की वैल्यू दे सकता है। बाकी हैदराबाद और मुंबई की मिंट का सिक्का आता है कॉमन की कैटेगरी में। नेक्स्ट सिक्का हमारे पास में है स्वस्थ मां से स्वस्थ शिशु। 1996 में इस सिक्के को जारी किया गया था भारत के 4 मिंटों से, जिसमें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा की 4 मिंटों शामिल है, जिसमें आपको 1996 के नीचे मिंट मार्क के नीचे में देखते हैं तो एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर फोटो बना हुआ है, और उसके नीचे मदर्स हेल्थ इच चाइल्ड हेल्थ लिखा हुआ इंग्लिश में देखने को मिलता है, ऊपर स्वस्थ मां से स्वस्थ शिशु हिंदी में देखने को मिलता है, और उसके नीचे 1996 के नीचे एक डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है इस सिक्के में। ये सिक्के भारत के 4 मिंटों से बनाए गए, इसके लिए अलग अलग मिंट मार्क आपको देखने को मिल सकते हैं, डॉट, डायमंड, स्टार या फिर कोई भी मिंट मार्क नहीं देखने को मिल सकता। तो इसमें से आपको देखना है रेयर सिक्का, रेयर सिक्के की पहचान क्या है, इसके लिए आपको स्वस्थ मां स्वस्थ शिशु के इस सिक्के में डॉट का मिंट मार्क देखना है। 1996 के नीचे इस सिक्के में आपको जो डॉट बना हुआ देखने को मिलता है, यही डॉट मिंट मार्क का सिक्का आपको देखने का है, यही सिक्का रेयर है। नोएडा मिंट के इस सिक्के की UNC कंडीशन में कीमत 500 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में चल रही है, 700 भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके सिक्के की डिमांड पे, मतलब जो खरीदने वाला है उसको कितनी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से उसकी कीमत तय की जा सकती है। फाइन कंडीशन से लेकर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको दे सकता है 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक। नेक्स्ट सिक्का है संत त्रिवल्लभर की थीम्स का 5 रुपये का ये वाला सिक्का, ये भारत के 2 मिनटों से जारी किया जाता है मुंबई और नोएडा की मिट से। तो इसमें जो रेयर सिक्का है इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस सिक्के को अच्छे से जान लेना है। सिक्के को देखते हैं रिवर्स भाग से तो बीच में संत त्रिवल्लभर का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। वैसे तो मैंने इन सभी सिक्कों के बारे में कहीं न कहीं सिंगल सिक्के की वीडियो भी बनाई है और उसमें भी मैंने अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ।
यह 8वां तमिल सम्मेलन की थीम्स पे जारी किया गया 5 रुपए का सिक्का है। 1995 में इस सिक्के को जारी किया गया था। 9 ग्राम वजन के साथ में कॉपर निकल का यह सिक्का है। इसमें जो रेयर सिक्का है ये दोनों ही मिंटों के सिक्के कलेक्टिबल हैं। अगर रेयर की बात करें तो वो नोएडा मिंट का है। नोएडा मिंट का सिक्का जिसमें आपको 1995 के आगे एक डॉट का मिंट मार्क देखने को मिलता है, इस सिक्के में कोई भी मिंट मार्क नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहां से इसका मिंट मार्क मिट चुका है क्योंकि ये कोलकाता की मिंट से नहीं इश्यू किए गए। तो इसमें आपको 1995 के नीचे अगर डायमंड का मिंट मार्क मिलता है तो मुंबई मिंट का सिक्का होता है, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं होती है। मुंबई मिंट के सिक्के की वैल्यू की बात की जाए तो आज के टाइम पर यूएनसी कंडीशन में 150 से 200 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। यूएनसी कंडीशन की कीमत बताइए मैंने। एक्स्ट्रा फाइन से फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। मतलब ये कंडीशन और डिमांड दोनों पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं नोएडा मिंट के सिक्के की। अगर आपके पास में संत त्रिवल्वर का ये 1995 के आगे अगर डॉट का मिंट मार्क बना हुआ होता है, नोएडा मिंट का सिक्का होता है, तो उसकी वैल्यू यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम पर आपको 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में मिल सकती है। ये भी डिपेंड करता है कंडीशन, मतलब कंडीशन मैंने आपको बता दी यूएनसी, लेकिन जो डिमांड होती है वो ज्यादा इसमें मैटर करती है। अगर किसी बंदे को ज्यादा जरूरत है और उसको ये सिक्का खरीदना है तो 800 भी दे सकता है। मैंने आपको एक एस्टिमेट प्राइस बताई है 600 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में। तो अगर आपके पास में इनमें से नोएडा मिंट का सिक्का संत त्रिवल्वर का ये है, आप मुझे भी सेल कर सकते हैं। और इसके साथ में स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु की थीम्स का ये सिक्का भी मुझे सेल कर सकते हैं नोएडा मिंट का। तो दोनों सिक्के अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप मुझे सेल कर सकते हैं। और अगर आपके पास में आईएलओ कॉइन है नोएडा मिंट का तो इस सिक्के को भी आप मेरे साथ में nantu.rj23 इंस्टाग्राम पे शेयर करके सेल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फाइन या यूएनसी कंडीशन के सिक्के होते हैं तभी आप मुझे सेल कर सकते हैं। गिंसा पेटा सिक्का अगर है तो उसको उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जा सकती है। जो मैंने कीमत बताई है ये फाइन एक्स्ट्रा फाइन यूएनसी कंडीशन में बताई है, क्योंकि जो सर्कुलेशन के सिक्के होते हैं घिसे पिटे सिक्के होते हैं उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर किसी आपके दोस्त के पास में इनमें से कोई ऐसा रेयर सिक्का होता है तो वो आपके साथ में शेयर करे और वो सिक्के आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप किसी एग्जीबिशन में ले जाके भी इन सिक्कों को सेल कर सकते हैं, या फिर आप अपने लिए एक अच्छा खासा कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।